यहाँ पर जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए था वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। 6c2 क्या होता है, 3 रेस्ट टू द पावर 4, उसको सिंप्लीफाई करके हम जो भी फाइनल वैल्यू है दैट वी कैन गेट। नाउ r2 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, कौन से नंबर की टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा। r की वैल्यू 2 रखो, मीन्स व्हाट, जो थर्ड टर्म होगी उस टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें थर्ड टर्म लिखना है, ठीक है, तो थर्ड टर्म लिख लो, थर्ड टर्म में जो आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा और उसका जो कोफिशियंट है वो ये आएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो ये आएगा। तो हमें क्या करना है, जनरल टर्म लिखने के बाद जो भी बोल रहा है, सपोज यहाँ पे उसने क्या बोला कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, और द सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन के लिए अगर मुझे वो बोलता, इसका सेकंड पार्ट बोल देता हूं कि मुझे चाहिए कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, मीन्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऐसा भी बोल सकता है, मीन्स एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स नहीं आ रहा, व्हाट डज इट मीन, जो भी एक्स है उसकी पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहां पे देखो वही हमें एज्यूम करना पड़ता, R+1 नंबर के टर्म लिखूंगा, ये इतना लिखूंगा, ये लिखने के बाद ये जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, अब उसके लिए 0, क्योंकि 6 माइनस R माइनस R इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि ये 0 आएगा तभी तो x^0 आएगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ क्या रहेगा, x रहेगा। तो यहां से R क्या आ गया, 3 आ गया, R3 आ गया, बस R तो चाहिए था हमें, कोफिशियंट क्या आ जाएगा, कोफिशियंट ऑफ x^0 इज 6c3, 3 की पावर 6 माइनस 3, दैट इज व्हाट, ये आएगा। और कौन सी टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x, द फोर्थ टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि R क्या आ रहा है, 3, 3+1, दैट इज द फोर्थ टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ। तो हमें केवल क्या करना है, जनरल टर्म लिखने के बाद ये जो भी आ रहा है, ये एक्स अगर है, एक्स वाई है तो वाई, एंड जो भी है, ये जो भी पावर हमें चाहिए जिसका कोफिशियंट देखना है, वो पावर को उससे इक्वेट कर दो। तो सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ x^39 इन द एक्सपेंशन ऑफ x^4 - 1/x^3 इफ होल पावर 15। x^4 - 1/x^3 होल रेस्ट टू द पावर 15, किसका कोफिशियंट चाहिए, x^39। तो पहले क्या करें, जनरल टर्म लिखो, क्या करें, जनरल टर्म लिख लें, कौन सी, R+1 नंबर की टर्म, R+1 नंबर की टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, 15 cr, x^4 एज इट इज रखना, पहले क्या रहा, x^4 क्या आएगा, 15 - r, 15 - r, फिर इनटू, यहां पे इनटू -1/x³ विथ साइन, -1/x³ विथ साइन रखना, क्या आएगा, r, ये आएगा। इसको हम इधर कर लेते हैं, तो जो Tr+1 है उसको मैं एक बार और लिख देता हूं, इधर उधर ठीक से नहीं दिख रहा है, क्या होगा, 15 cr, x^4 है x की जगह, तो विथ साइन एज इट इज लिख दो, क्या होगा, 15 - r, फिर y की जगह क्या है,
माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर क्या आएगा, आर, ये लिख लिया। अब एक्स वाली टर्म एक तरफ रखो और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म एक तरफ रखो, तो क्या आएगा 15 CR, ये भी कुछ कांस्टेंट है, यहां से आएगा माइनस वन की पावर आर, ये अलग निकाल लेते हैं ना। अब एक्स देखो, एक्स की पावर ये क्या होगा 60 माइनस 4R, और ये क्या वन अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस 3R कर दूं मैं, ठीक है, अपॉन में 3R आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो एक्स वाली टर्म एक तरफ लिख दी मैंने, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज ये कोफिशियंट है। अब ये कोफिशियंट फाइंड करने के लिए मुझे आर चाहिए, आर पता चल जाए तो कोफिशियंट आ जाएगा। उसके लिए इसने क्या बोला है, एक्स का को पावर क्या है 39 है, मीन्स ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए 39 के इक्वल। तो देखो क्या होगा 60 माइनस 4R माइनस 3R मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 39, क्योंकि एक्स टू द पावर 39 आ जाएगा तो उसका ये कोफिशियंट आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 39 21 इज इक्वल टू 7R, R क्या आ गया यहाँ से 3 आ गया, R क्या आ गया 3 आ गया, तो R 3 है मींस व्हाट फोर्थ टर्म होगी, और हमें तो क्या है कोफिशियंट चाहिए ना, तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा, कोफिशियंट विल बी इक्वल टू या कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 39 इज इक्वल टू 15C, आर की वैल्यू रख दो 3 माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 3 आर, आर की जगह रखा है 15C3, और ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 15C3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, इट विल बी 455। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा माइनस 455 विथ साइन, वैल्यू जो है विथ साइन आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस रूट ऑफ वाई बाई 5 प्लस 5 अपॉन 2y² की पावर 10, मीन्स हमें किसका कोफिशियंट चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई मीन्स वाई टू द पावर व्हाट 0, ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि कोई भी जो टर्म है आर प्लस वन टर्म है, आर प्लस वन टर्म में वाई टू द पावर 0 आएगा, तो आर प्लस वन एक्चुअली होता क्या है 10C R रूट ऑफ वाई बाई 5 की पावर 10 माइनस आर, ये एज इट इज रखना पड़ता है ना, प्लस ये तो प्लस है ठीक है, इंटू 5 अपॉन 2y² की पावर क्या आएगी आर आएगी, ठीक है इतना। ये तो हमने जनरल टर्म लिख दिया, अब जनरल टर्म लिखने के बाद क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई जो है वो अलग और वाई की टर्म अलग अलग लिख देते हैं, जैसे पहले एक्स था तो एक्स वाली टर्म अलग थी और कॉन्स्टेंट टर्म अलग थी, तो यहां पे देखो 10 CR ये तो अलग आएगा कॉन्स्टेंट है ना, यहां से कुछ आएगा कॉन्स्टेंट आएगा रूट ऑफ 1/5 की पावर 10 माइनस आर, यहां से भी आएगा 5/2 की पावर आर, 5/2 की पावर आर, कॉन्स्टेंट पूरा बाहर निकाल लिया। अब y के लिए देखते हैं, y के लिए जो आएगा रूट ऑफ y की पावर 10 माइनस आर, और इसको मैं लिख दूं y की पावर माइनस 2R, डायरेक्टली समझ में आ गया होगा वैसे, ये क्या हो जाएगा 1/y² की पावर r आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 10 CR, इसको लिख देता हूं 1/5 की पावर 10 माइनस आर बाय 2 भी कर सकते हैं, रूट है ना, तो एलजेब्रा है, हाँ
ये जो होगा क्या होगा, वाई की पावर 10 माइनस आर बाय 2, रूट हटा दिया मैंने, प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, तो माइनस टू आर एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ये जो है वाई की पावर क्या होना चाहिए, जीरो, y की पावर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि ये तो देखो y की पावर जीरो आ जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, कोफिशियंट आ जाएगा, y की पावर समथिंग उसका ही कोफिशियंट है ना। अब वो बोल रहा है कि y की पावर जीरो उसका कोफिशियंट चाहिए, तो जैसे ही मुझे r पता चलेगा मैं कोफिशियंट फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 10 माइनस आर बाई टू माइनस टू आर मस्ट बी इक्वल टू वॉट, जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई बोला है ना। अगर वो कुछ बोलता वाई का स्क्वायर चाहिए तो मैं जीरो की जगह टू लिख देता, अगर बोलता है कि वाई की पावर फोर का कोफिशिएंट चाहिए तो जीरो की जगह फोर लिख देता, ठीक। तो यहां से व्हेन यू सॉल्व इट आर इज इक्वल टू आ जाएगा टू, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। आर अगर टू आ गया तो जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ y की पावर जीरो विल बी इक्वल टू 10c2, r की जगह टू रख देते ना बस, अब तो क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, 10c2 1 बाई 5 की पावर 10 माइनस 2 8 बाई 2 4, 5 बाई 2 की पावर 2, यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10c2 तो फाइंड कर लेना, तो 45 आएगा 10c2 इनटू ये हो जाएगा 1 बाय 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 4, 9 बाय 20, सिंप्लीफाई कर लेना, ये तो एलजेब्रा है दैट यू कैन डू। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई टू द पावर 0 मींस इंडिपेंडेंट ऑफ वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी व्हाट, 9 बाय 20। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के बाई एक्स रेस टू द पावर 5 इज 270, देन फाइंड के, तो के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करें, जनरल टर्म लिख लें, लेट टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस आर के बाई एक्स, एक्स की जगह ये लिखा है, वाई की जगह के बाई एक्स लिखा, क्या आएगा आर। क्या करें, कॉन्स्टेंट टर्म अलग करते हैं और एक्स वाली टर्म अलग करते हैं, तो क्या होगा, 5 सी आर के रेस्ट टू द पावर आर। अब एक्स वाले टर्म देखो, एक्स वाले टर्म क्या आएगी, एक्स यहां से तो आएगा 10 माइनस 2 आर माइनस आर। अब ये जो है ये क्या दिया है, 1 दिया, कोफिशियंट ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, एक्स की पावर व्हाट, 1। तो यहां पे देखो 10 माइनस 2r माइनस आर टू वॉट, 1। तो यहां से r क्या आ जाएगा, r विल बी इक्वल टू 3, सॉल्व कर लो इसको, r क्या आ गया, 3 आ गया, बस r 3 आ गया। अब क्या k फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या दिया है, ये जो कोफिशियंट है दैट इज व्हाट, 5c3 k की पावर 3 इज इक्वल टू क्या दिया, 2 70। वट वी हैव टू फाइंड आउट के, तो पहले 5c3 इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आएगा, 10। 5c3 की वैल्यू क्या आएगी, 10, फाइंड आउट कर लेना अलग से, याद है ना, 5c3, 5c3 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 10।
भाई सी थ्री क्या आ गया 10, के क्यूब इज इक्वल टू 270, तो के क्यूब क्या आ गया 27, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, के विल बी इक्वल टू व्हाट 3, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जस्ट नोट इट डाउन। फिफ्थ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इफ कोफिशियंट ऑफ 3 आर्थ एंड आर प्लस टू टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन आर इक्वल, देन प्रूव दैट एन इज इक्वल टू 2 आर। मीन्स वॉट, हमें केवल कोफिशियंट देखना है, एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, केवल कोफिशियंट को इक्वेट करना है। क्या बोला है उसने, 3 आर्थ टर्म का जो कोफिशियंट है और आर प्लस टू टर्म का जो कोफिशियंट है वो इक्वल है। तो पहले 3 आर्थ टर्म लिखते तो है कौन सी होगी, क्या करें, टी थ्री आर इसके एक्सपेंशन में 3 आर्थ टर्म बोल रहा है ना, वो क्या होगा T3R, एक कम क्या होगा 2N, C क्या होगा 3R माइनस 1, एक कम 3R नंबर की अगर टर्म लिखना है तो क्या होगा, R सपोज क्या है, अगर 1 है तो क्या जाएगा 3, ये क्या आएगा 2 आएगा ना, फिर क्या आएगा 1 की पावर 2N माइनस 3R प्लस 1, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, 1 ही आना है वो तो, x की पावर 3R माइनस 1, ठीक है। तो जो कोफिशियंट है वो क्या है, ये दैट इज व्हाट 2N c 3R माइनस 1। अब पहले R प्लस 2 टर्म का भी कोफिशियंट निकाल लेते हैं, R प्लस 2 टर्म क्या होगी 2N, ये तो जो रहता है वही लिख देते ना, इट इज 2N R प्लस 1, एक कम होता है ना, 1 की पावर 2N माइनस R माइनस 1, ये इसमें से इसको माइनस करो, x की पावर R प्लस 1। R प्लस 2 टर्म का जो कोफिशियंट है वो क्या होगा, ये होगा। अब क्या बोल रहा है वह, दोनों कोफिशियंट जो है इक्वल है, मीन्स व्हाट 2N C 3R माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 है ना, 2N C R प्लस 1, ये होगा। अब यहां से R फाइंड आउट करना है, तो देखो यहां पे क्या होगा, ये 2N है, ये 2N है, तो क्या होगा, या तो 3R माइनस 1 इज इक्वल टू R प्लस 1, क्या होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे, याद है ना प्रॉपर्टी, या तो क्या होगा दोनों इक्वल होंगे, और क्या होगा इन दोनों का जो सम है वो 2n के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का जो सम है वो 2n के इक्वल होना चाहिए, और 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 2n। तो यहां से क्या आएगा, ये तो R1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा 4R is equal to 2N, तो 2R is equal to क्या हो गया N, हो गया प्रूफ। तो यहां पे क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट R जो है ग्रेटर देन 1 है एंड N ग्रेटर देन 2 है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो दैट्स व्हाई R इज इक्वल टू 1 वाली जो वैल्यू है हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहां से क्या आ गया 2R इज इक्वल टू व्हाट N आ गया, हो गया प्रूफ N इज इक्वल टू 2R। एक और सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 1 बाय bx रेस्ट टू द पावर 11 एंड कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर माइनस 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, देन फाइंड a इंटू बी, a इंटू बी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो x टू द पावर 7 का कोफिशियंट इसमें निकालते हैं, फिर x टू द पावर माइनस 7 का कोफिशियंट इसमें निकालते हैं, और फिर दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं,
वहां से जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट एक्स टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx रेस टू द पावर 11। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले कोई भी r प्लस 1 टर्म एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या होगा? 11 c r ए एक्स स्क्वायर की पावर व्हाट? 11 माइनस r। 1/bx की पावर व्हाट? r। यही होगा। अब क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म अलग कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? 11 c r ए की पावर 11 माइनस r, बी की पावर -r। अब एक्स की पावर देखो, एक्स की पावर 22 माइनस 2r -r। अब इसमें हमें क्या चाहिए? कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 7, मीन्स ये जो वैल्यू अपनी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 7 के। ये वैल्यू 7 के इक्वल होना चाहिए, तो ये उसका करेस्पॉन्डिंग कोफिशियंट आ जाएगा। मीन्स व्हाट? 22 माइनस 2r माइनस r, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 7। तो क्या आ जाएगा? 3r इज इक्वल टू 15, तो r क्या आ गया? 5। आर क्या आ गया? 5। आर अगर 5 आ गया तो क्या करें? आर 5 यहां रख दे, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 इन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx की पावर 11 इज क्या होगा? 11 c 5। 11 c 5 ए की पावर 6, बी की पावर -5। ए की पावर 6, बी की पावर -5, ये आ गया। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स माइनस 1/bx² एक्स टू द पावर 11। इसमें एक्स टू द पावर -7 का कोफिशियंट फाइंड करते हैं, और फिर दोनों को क्या करना है? इक्वल इक्वेट करना है। ये निकालने के लिए अगेन इसमें सपोज टी आर प्लस 1 नंबर की टर्म लिखते हैं, तो क्या आएगा? आप तो फेमिलियर हो गए होंगे इस टर्म से, 11 c r एक्स की पावर क्या आएगी? 11 माइनस r। जो वैल्यू होती है एज इट इज हम यहां रख देते हैं, फिर -1/bx² विथ प्रॉपर साइन क्या आ जाएगा? r। फिर क्या करते हैं? एक्स वाले टर्म अलग करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म अलग करते हैं, 11 c r ए की पावर 11 माइनस r, -1/b की पावर क्या आएगा? r। अब एक्स वाले टर्म देखो, एक्स 11 माइनस r, और ये -2r आ जाएगा यहां से, तो एलजेब्रा है दैट यू कैन डू, ये तो लिख ही सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? -7 के, क्योंकि हमें एक्स टू द पावर -7 का कोफिशियंट देखना है, तो 11 माइनस r माइनस 2r मस्ट बी इक्वल टू -7। यहां से r क्या आ गया? 6। r अगर 6 आ गया तो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर -7 इन ए एक्स माइनस 1/bx² रेस टू द पावर 11 इज क्या होगा? 11 c 6, ए की पावर 5, ओके, -1/b की पावर 6, या यू कैन से दैट b की पावर -6। b की पावर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें? दोनों कोफिशियंट क्या है? इक्वल है,
क्वेश्चन में यही बोला है ना, तो दोनों को इक्वल इक्वेट कर दो, 11c5 a की पावर 6 b की पावर -5 इज इक्वल टू 11c6 a की पावर 5 b की पावर -6। अब देखो चाहो तो 11c5 और 11c6 की वैल्यूज निकाल लो, लेकिन ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, किसी एक में प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी, 11c6 इज इक्वल टू 11c11 -6 दैट इज व्हाट 5, 11c5 11c5 ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। ये आएगा a टू द पावर 6 -5 1, ये आ जाएगा b टू द पावर 1, क्या आ गया 1, तो यहां से a b क्या आ गया 1 आ गया, तो द वैल्यू ऑफ a b विल बी इक्वल टू 1। यहां पे ये देख लेना था 11c5 इज इक्वल टू 11c6 होता है, या तो फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के कर लो या फिर डायरेक्टली निकाल लो। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ द कोफिशियंट ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 x^n आर इन एपी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोफिशियंट बोला उसने, पूरी टर्म नहीं बोला है, तो सेकेंड टर्म का कोफिशियंट, तो पहले सेकेंड टर्म लिख लेता हूं मैं, इस एक्सपेंशन की जो सेकेंड टर्म होगी क्या है, सेकेंड टर्म लिखो पहले, तो सेकेंड टर्म का कोफिशियंट चाहिए तो क्या करें, सेकेंड टर्म लिखें, सेकेंड टर्म क्या आएगी, एन सी वन एक कम 1 की पावर n-1 और x की पावर 1, ये क्या आ जाएगा एन सी वन एक्स। फिर थर्ड टर्म का भी कोफिशियंट चाहिए तो थर्ड टर्म लिखो, टी थ्री क्या होगा एन सी टू एक कम, याद है ना 1 की पावर n-2 एक्स की पावर 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट एन सी टू। फाइनली क्या बोला उसने, फोर्थ टर्म बोला है, फोर्थ टर्म होगा एन सी थ्री एक कम 1 की पावर n-3 और एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू, हाँ ये एक्स स्क्वायर भी आएगा ना, एन सी थ्री एक्स। ये तो हमारी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आ गई, तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स के जो कोफिशियंट्स है, केवल कोफिशियंट्स देखो अब क्या होगा, एन सी वन ये क्या है सेकेंड टर्म का कोफिशियंट है, एन सी टू थर्ड टर्म का कोफिशियंट है, एन सी थ्री फोर्थ टर्म का कोफिशियंट, तीनों कोफिशियंट्स आ गए। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों कोफिशियंट्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या है तीन नंबर्स है एक्चुअली, ये तीनों नंबर्स किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर तीन नंबर्स है तो पता है ना क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर 2 times एन सी टू विल बी इक्वल टू वॉट एन सी वन प्लस एन सी, पर ये 3 है, यहां देखो एन सी वन प्लस एन सी थ्री। अब क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, 2 × nc2, एन सी टू क्या होगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू एन सी वन n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस एन सी थ्री एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 2। अब ये n फैक्टोरियल ही है, n माइनस 2 फैक्टोरियल है, ऊपर क्या बचेगा n इंटू एन माइनस 1, क्योंकि बाद में क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, या n फैक्टोरियल है या n माइनस 1 फैक्टोरियल है, क्या बचेगा क्या n, और वैसे भी हमें पता है एन सी वन क्या होता है n होता है, प्लस ये n फैक्टोरियल है n माइनस 3 फैक्टोरियल है, मीन्स कहां तक जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2,
अब एन माइनस थ्री आएगा तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अब क्या करें, एन भी देखो कैंसिल हो रहा है, एन भी कैंसिल हो रहा है, तो एन को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो क्या बचेगा, एन माइनस वन, यहां से एन 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 माइनस वन इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 6। सॉल्व कर लो, ये इधर आके माइनस टू हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 6n-12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो यहां पे देखो 6 कॉमन लेता हूं तो एन माइनस टू इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। एन माइनस टू से एन माइनस टू भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एन जो है वो टू नहीं हो सकता, क्योंकि एन अगर टू हो गया तो 1 प्लस x की पावर 2, इसमें टोटल टर्म कितनी आएगी, 3, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, फोर्थ टर्म तक जाना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से एन माइनस टू को एन माइनस टू से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू n-1, तो n क्या आ गया, 7। तो n इज इक्वल टू 7 के लिए जो कोफिशियंट है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स के, वो एपी में रहेंगे।